For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मियो हॉस्पिटल से मेरी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है। मैंने पाकिस्तान नेशनल रग्बी टीम के साथ एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट 8 साल काम किया है और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत से कैंप्स और बहुत से टूर्स जो हैं वो कम्प्लीट किए हैं। मेरी जो एजुकेशन है उसमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं। करंटली मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज ए क्लिनिकल इंचार्ज रिफा रिहैबिलिटेशन सेंटर और फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। आमतौर पर आजकल की ज़िंदगी में बहुत तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन जिसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर दर्दें होती हैं। हम आज उसके ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर उस एज ग्रुप में, यंग लोगों में, जिस तरह 20 साल 25 साल 30 साल या इवन 30 35 साल की उम्र में, जिसमें हम एक्टिव होते हैं और हमारी लाइफ का वो पार्ट होता है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के पीक पर काम कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं हमें कंप्लेंट करते हैं कि हमें जिस्म में, कंधों में, बाजुओं में, गर्दन में या कमर में, लोअर बैक में दर्द रहती है। इस दर्द की सबसे बड़ी वजह हमारा पोस्चर है। पोस्चर का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से खड़े होते हैं और किस तरीके से अपने रोज़मर्रा के कामों को सरंजाम देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिस वजह से ये दर्दें स्टार्ट होती हैं। हमें हमारे क्लाइंट्स, हमें हमारे पेशेंट्स आकर बताते हैं कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी उन्होंने नहीं की जिसमें वो खुदा ना खास्ता गिरे हों, जिसमें खुदा ना खास्ता उनकी कोई मतलब कुछ किसी चीज़ ने आकर उनको हिट किया हो या कोई चोट लगी हो, कोई वाजे उनको पता लगा हो, लेकिन फिर भी वो हमें कंप्लेंट करते हैं कि हमें कंधों में, बाजुओं में या हमें किसी भी जिस्म के एरिया में दर्द है। तो वो पोस्चर की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा पोस्चर है जिस तरीके से हमें खड़ा होना चाहिए और वो कौन सी गलत मूवमेंट्स हैं या वो कौन से गलत पोस्चर की बातें हैं जिस वजह से हमें दर्दें स्टार्ट होती हैं। आपके सामने मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ। आमतौर पर हम जब खड़े होते हैं तो हमने मोबाइल भी इस्तेमाल करना होता है और मोबाइल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कंधे भी झुका लेते हैं और हम अपनी गर्दन भी झुका लेते हैं और हम बहुत देर तक इसी पोस्चर में रहते हैं, जो कि गलत है। सही पोस्चर ये है कि आपके कंधे झुके नहीं होने चाहिए, आपके कंधे इस पोजीशन में होने चाहिए कि आपके कंधे स्ट्रेट हों। उसके अलावा एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है कि आपकी गर्दन आगे की तरफ गिरी नहीं होनी चाहिए, आपके कान आपके कंधे पर आने चाहिए, ये आपके सर का कंधों के साथ नॉर्मल पोस्चर है। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने जिस्म को ढीला करके खड़े होते हैं, जिसमें हमने कंधों को भी झुकाया होता है, हमने अपनी गर्दन को भी झुकाया होता है और ख़ास तौर पर ख़वातीन में या आम तौर पर मर्द हज़रात में भी अपने पेट को लटकाए खड़े होते हैं। अगर इस पोजीशन में आप लोग खड़े होते हैं तो आपके कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जा रहा होता है और अल्टीमेटली ये आपकी कमर दर्द का बाइस बनता है। तो आपको सिंपल सी एडवाइस है, हम इसमें पेशेंट को कहते हैं कि आपने टमी टक इन कर लेनी है, जिसका मतलब ये है कि पेट को खींच लेना है। अगर आप सिर्फ पेट को खींच लेते हैं, इस पेट को खींचने की वजह से आपके कंधे भी सीधे हो जाते हैं और हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आपने चिन टक इन कर लेनी है, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ अपने कान अपने कंधों के ऊपर ले आने हैं। तो इस पोजीशन में अगर आप खड़े हों तो ये आपका नॉर्मल पोस्चर है और ये आपका गलत पोस्चर है खड़ा होने में। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने ऑफिसेज़ में काम करना होता है और डेस्क जॉब्स अमूमन आम तौर पर हमारे पेशेंट्स या क्लाइंट्स डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें टेबल के ऊपर लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर उन्होंने काम करना होता है और एक चेयर के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरा दिन तकरीबन 6 से 8 घंटे काम करना होता है। अब हम आपको काम से नहीं रोक सकते, लेकिन आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं जिस वजह से आप इन दर्दों की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच सकते हैं। अगर हम बात करें लैपटॉप की, टेबल की, चेयर की, तो इसमें क्या पोस्चर है जो कि दुरुस्त है और क्या पोस्चर है जो कि ख़राब है।
पहले मैं बात करूँगा कि वो कौन से पोस्चर्स हैं जो कि गलत हैं। अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की पोजीशन की, और अमूमन अपने हम जिस तरह बैठते हैं तो जो चेयर होती है और टेबल होती है इसके दरमियान गैप कम से कम होना चाहिए। अगर मैं इस पोजीशन में बैठ के काम कर रहा हूँ तो ये बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे कंधे भी बहुत आगे आ गए हैं, इसमें मेरी गर्दन भी बहुत आगे आ गई है और मेरी कमर सपोर्टेड नहीं है, तो ये बेहतर पोस्चर नहीं है। उसके अलावा ये कि आप अगर अपने बाजुओं को टेबल से दूर रखते हैं तो ये भी बेहतर नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप चेयर और टेबल के दरमियान गैप कम से कम कर लें और अपने लैपटॉप के ऊपर अपने आर्म्स को प्लेस करें और इस पोजीशन में अपना काम करें। उसके अलावा जो स्क्रीन होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए और बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, इस पोजीशन में होनी चाहिए कि आपका सर और आपकी जो मूवमेंट है वो मैक्सिमम इस पोजीशन में और इस पोजीशन में हो, तो आपको ये बेहतर पोस्चर है। अदरवाइज़ अगर आप झुक के काम कर रहे हैं या आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा है जिसमें आपकी गर्दन को बार बार ऊपर देखना पड़ा है तो ये बेहतर पोस्चर नहीं है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आप अपना सकते हैं बेहतर पोस्चर करने के लिए। उसके अलावा चेयर पर बैठना किस तरह है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चेयर पर बैठूं और कभी थक जाऊं और मैं अपनी चेयर के ऊपर इस पोजीशन में बैठ जाऊं, अमूमन लोग इस पोजीशन में भी काम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से भी हमें अपर बैक जिसमें कंधों के साथ और कमर में दर्द होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम एडवाइज़ करते हैं कि आप इस पोजीशन में मत बैठें। क्योंकि हमें क्लाइंट्स और पेशेंट्स कहते हैं कि हमें इसमें सुकून मिलता है, या पेशेंट या क्लाइंट्स हमारे इस तरह भी करते हैं कि इस पोजीशन में बैठ के इस पोजीशन में काम कर रहे होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमारी गर्दन का पोस्चर भी ख़राब हो रहा है, हमारे कंधों का पोस्चर भी ख़राब हो रहा है और हमारी कमर का पोस्चर भी ख़राब हो रहा है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बैक सपोर्टेड चेयर के साथ बैठें जिसमें आपकी कमर, आपकी अपर बैक और आपके कंधे चेयर के साथ प्रॉपरली लगे हुए हों, और फिर आप चेयर को टेबल के करीब रखें और फिर प्रॉपरली तरीके से बैठ के काम करें। और अगर हम बात करें मोबाइल की, जो कि अब हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है, तो बजाय इसके कि आप मोबाइल को इस पोजीशन में यूज़ करें, आपकी गर्दन झुकी हुई हो और आपकी गर्दन आगे की तरफ आई हो, कोशिश करके मोबाइल को आप इस पोजीशन में इस्तेमाल करें कि आपके आँखों के सामने ये हो। और अगर आप बैक सपोर्टेड चेयर के साथ बैठ के मोबाइल को पकड़ेंगे तो इससे आप कदरे हद तक बच सकते हैं जो आपको दर्दें होती हैं आपकी गर्दन में, बाजू में या कमर में। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की जो कि आप टेबल और चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी जॉब है जिसमें आपने 8, 10 या 12 घंटे तक टेबल और चेयर को यूज़ करना है तो आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे आपके कंधे, जिससे आपकी बैक, जिससे आपको ये दर्दें ना हो। सबसे पहले ये है कि आपने कंधों को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपने कंधों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप 20-30 टाइम्स इस मूवमेंट को कर सकते हैं, उसके बाद आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आपके गर्दन और कंधे के तमाम मसल्स रिलैक्स होते हैं। नंबर 2, आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपके गर्दन के मसल्स रिलैक्स हों। उसमें सबसे पहले तो तरीका ये है कि आपको जब याद आए आपने अपनी गर्दन को इस पोस्चर से इस पोस्चर में ले आना है। उसका तरीका ये है कि हम पेशेंट को बताते हैं कि चिन टक इन करनी है, जिसमें आपने अपने सर को पीछे की तरफ खींचना है कि आपके कान आपके कंधे पर आएँ। उसके अलावा जो हमारे कंधे के मसल्स होते हैं इनके लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खिंचाव लाना, जिसमें आप कंधे पर हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ सर पर रखेंगे, कंधे को और सर को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे और तकरीबन 10 सेकंड तक एक पोजीशन में रहेंगे। इसी तरह आप एंगल्स चेंज करते जाएंगे, 10 सेकंड तक इस पोजीशन में रहेंगे और 10 सेकंड तक आप इस पोजीशन में रहेंगे। यही जो मैंने आपको लेफ़्ट साइड की एक्सरसाइज बताई है आपने राइट साइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये तकरीबन 10 से 15 दफ़ा आप रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा एडवाइजेबल है कि अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे काम कर रहे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा एक ही पोजीशन में बैठकर काम मत करें। आप खड़े हो जाएं, और उसके अलावा आपने खड़े होकर प्रॉपर तरीके से
आगे की तरफ झुकना है, जिसमें आपके घुटने सीधे होने चाहिए। आपने पूरा पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करनी है और इसी तरह आपने वापस पीछे की तरफ झुकना है और कमर के ऊपर हाथ रख के सर को पीछे की तरफ लेकर जाना है और कमर को भी पीछे की तरफ लेकर जाना है। ये भी आप 10 टाइम्स आगे की तरफ मूव करेंगे और 10 टाइम्स आप पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ होता है, जो दबाव या जो दर्द क्रिएट हुई होती है, वो उस वक़्त बेहतर हो जाती है और आप पेशेंट नहीं बनते और आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप इन पोस्चरल प्रॉब्लम से बच सकते हैं और मैं एडवाइस करूँगा कि इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा बनाएं ताकि आप इन दर्दों से बचें। अगर आप किसी पोस्चरल प्रॉब्लम का शिकार हैं और आपको जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से रابطہ कर सकते हैं जो कि आपको आपकी इस दर्द को बग़ैर दवाई के विद एक्सरसाइजेस ख़त्म कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से रابطہ करें, तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।